Good morning students, welcome to our online classes. This lecture is for class 7th subject chemistry. Last lecture में हमने कुछ chemical changes के बारे में पढ़ा, आज हम उसके आगे continue करते हैं. आज हम जो chemical change पढ़ने जा रहे हैं उसमें first करेंगे formation of hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन के बारे में. अब इसके अंदर हम रिएक्शन कराते हैं जिंक प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहां पे लेंगे हम जिंक ग्रेन्यूल्स. जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेशन होगी जिंक क्लोराइड की और साथ में हाइड्रोजन गैस. जिंक क्लोराइड और यहां पे आपका हाइड्रोजन जो है वो गैसीयस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा. तो यहां पे देखते ही आपको पता चल रहा है डिफरेंट रिएक्टेंट अलग थे और यहां पे प्रोडक्ट कुछ न्यू प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो आप कह पाएंगे आसानी से कि एक टाइप का केमिकल चेंज है. अब बात आती है कि ये जो गैस रिलीज हो रही है हाइड्रोजन, इसको डिटेक्ट करने की बात अगर हम करें कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन ही है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसको बर्न करके देखते हैं. हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ए पॉप साउंड. जैसे ही हम जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे हैं उसके नजदीक मैच स्टिक लेके आएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ये बर्न होगी एक पॉप साउंड के साथ. एक पर्टिकुलर साउंड है जो प्रोड्यूस होगी और इसी साउंड से हम कंफर्म कर पाएंगे कि जो गैस रिलीज हुई थी वो हाइड्रोजन गैस थी. तो इसके साथ नेक्स्ट हम केस डिस्कस करते हैं. रिएक्शन ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा. विनेगर की बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन. अब यहां पे अगर बात करें, हमने लास्ट चैप्टर में एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, विनेगर के अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है आपका एसिडिक एसिड, और बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें बेकिंग सोडा रहेगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इन दोनों की जैसे ही रिएक्शन होगी यहां पे आपका प्रोडक्शन होता है सोडियम एसीटेट. और इसके साथ साथ प्रोडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड. प्लस व्हाट? तो ये तीन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे. यहां पे देख रहे हैं आप, रिएक्ट करने वाले जो रिएक्टेंट थे वो सिर्फ दो थे और प्रोडक्ट आपको तीन मिल रहे हैं. अब इसके बाद वाले जो रिएक्शन है कि यहां पे आप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है इसे कैसे डिटेक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन को, तो इसके लिए रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी. अब दोबारा से हम एक बार फिर बात कर लेते हैं इसके बारे में. जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जो रिएक्शन है वो कराएंगे लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर के साथ जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे यहां पे फॉर्मेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसके साथ साथ फॉर्मेशन हो रही है यहां पे वाटर की, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है इसी की वजह से जो सॉल्यूशन है आपका वो हो जाता है मिल्की, और इसी कलर चेंज से आप कंफर्म कर पाते हैं कि जो गैस की रिएक्शन हुई है लाइम वाटर के साथ वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ये हमने आज दूसरा केस डिस्कस किया. इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एक जनरल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करेंगे.
जो कि आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ये है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है, लोहे को जंग लगना। सबसे पहले तो हम बात करें, जैसा कि हम घर में देखते भी हैं, अगर कोई भी लोहे की चीज है अगर हम उसे खुला छोड़ दें एटमॉस्फेयर में, एयर और वाटर की प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो कहने का मतलब, अगर मैं यहां पे नेसेसरी कंडीशन की बात करूं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग, तो इसमें रहेगा फर्स्ट केस आपका एयर, या फिर मैं सिर्फ सीधा सीधा बोलूं एयर में भी ऑक्सीजन, और दूसरा केस आपका रहेगा यहां पे वाटर, या फिर आपका मॉइस्चर जो है, वाटर आपका मॉइस्चर की फॉर्म में हो तब भी आपका रस्टिंग होता है। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन की। लोहा जो है, जैसे ही आयरन की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो यहां पे बात अगर मैं करूं तो फॉर्मेशन होती है मेन प्रोडक्ट जो है, और साथ में अगर हम बात करें ये है आपका आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड में भी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इस केस की जब हम बात करते हैं तो यहां पे अभी हम बैलेंसिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी बैलेंसिंग जो है वो नहीं आया है। सीधा सिर्फ रिएक्शन मैंने आपको बताई है, आगे की क्लासेज में हम बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे हम कि कैसे आयरन यहां पे दो एटम है यहां पे वन है, तो किस तरह से हम बैलेंस करें और बैलेंस करना जरूरी क्यों है, उसके बारे में हम अगली क्लासेज में डिस्कस करेंगे। ये हमने बात करी यहां पे रस्टिंग के बारे में। इसके बाद जो ये नेसेसरी कंडीशन है कि इन दोनों की प्रेजेंस में ही रस्ट की फॉर्मेशन होगी, ये कैसे कंफर्म करें, उसके लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं कि जो दो कंडीशन है ऑक्सीजन और वाटर, ये दोनों ही जरूरी हैं, एक भी अगर इनमें से नहीं होगा तो रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके लिए हम अलग अलग तीन टेस्ट ट्यूब लेंगे, वन टू एंड थ्री, तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए। एक में हमने आयरन नेल आपकी, अगर मैं इसकी बात करूं आयरन नेल, और इसमें हमने साथ में वाटर भी ऐड कर दिया, और ऊपर से ये ओपन भी है तो एयर भी प्रेजेंट रहेगी। एक टेस्ट ट्यूब में हमने ऐसे लिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमने आयरन नेल ली, और इसके साथ यहां पे हमने रखा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की बात अगर करूं मैं पहले, कि कैल्शियम क्लोराइड जो है यहां पे इसके साथ, ये आपकी आयरन नेल, और इसके अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड भी लिया है पाउडर फॉर्म में, कैल्शियम क्लोराइड भी डाला है टेस्ट ट्यूब के अंदर, कैल्शियम क्लोराइड भी डाल दिया। अब इसका जो काम है कैल्शियम क्लोराइड का, ये बेसिकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है आसानी से। तो ये केस रहेगा, यहां पे हम बात करेंगे एयर प्रेजेंट है और एयर में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो रिएक्शन होगी वो वाटर के साथ नहीं होगी, सिर्फ एयर प्रेजेंट है।
थर्ड केस की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपने आयरन नेल ली और आयरन नेल के साथ आपने जो वाटर लिया, आयरन नेल के साथ आपने जो यहां पे वाटर लिया है, ये आपने बॉयल्ड वाटर लिया आपने, या फिर मैं कहूं हॉट वाटर। और ऐसा करने की वजह से आपका जो एयर डिजोल्ड थी वाटर के अंदर वो सेपरेट हो जाती है, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, और बाहर से इसके अंदर एयर ऐड ना हो इसलिए हमने इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया, यहां पे ऑयल भी डाल दिया ताकि एयर जो है इस वाटर के साथ रिएक्ट ना कर सके या इस वाटर में डिसोल्व ना हो सके। तो ये तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब हमने ली। अब इनमें हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इस केस में रस्टिंग होगी। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे सिर्फ इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग होगी, बाकी दोनों में रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगी लोहे की नेल पे, कील पे जंग नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम जो नेसेसरी कंडीशन है रस्टिंग की उनके बारे में बता सकते हैं कि ये दोनों ही जरूरी हैं। इनमें से अगर एक भी एब्सेंट है तो आपका रस्टिंग जो है केमिकल रिएक्शन वो नहीं हो पाएगी। तो ये हमने आज बात करी रस्टिंग के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।